अस्सलाम वालेकुम। जय सियाराम। हर चीज के अंदर हिंदुस्तान कहता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। उनकी ऐसी की तैसी, फुल पावर हम हैं। गांजा गांजा। किस चीज में पावरफुल? हम हर एक चीज में फुल पावर हैं। किसी चीज में पावर? हम हर मैदान में फुल पावर हैं, चाहे लड़ाई में हो, जंग में हो, हम दुनिया से फुल पावर हैं। बाटली चीज ही ऐसी है साला। बड़े बड़े उतर जाते हैं। दुनिया तो कहती है कि पाकिस्तान तो भिखारी कौम है। भिखारी कौम नहीं है। अच्छा, हम मांगने वाले नहीं है, हम दूसरों को कर्जा देने वाले थे। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। अल्लाह रखी, क्या करती हैं? बस कुछ नहीं कर, कुछ काम नहीं करती। बच्चे कितने? 5। बाबा, आपके कितने बच्चे हैं? 6। अरे बाबा, मेरे 2 बेटे, 6 बेटियां। 6 बेटियां और 2 बेटे। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? सब बढ़िया? तो आपका भाई एक बार फिर से आप सभी के बीच मौजूद है पाकिस्तान के कुछ नमूनों के फन इंटरव्यू के मजेदार क्लिप्स के साथ। वैसे तो हम इन नमूनों के इंटरव्यू के ऊपर 3 पार्ट्स ऑलरेडी बना दिए हैं, लेकिन आज का ये पार्ट 4 बेहद ही मजेदार होने वाला है। हंस हंस के आप लुटपुट हो जाएंगे, ये गारंटी तो मेरी है ही। बस आप वीडियो को अंत तक देखना, फिर देर न करते हुए आप शुरू करते हैं। चलो चलो। दोस्तों, सबसे पहले मिलिए पाकिस्तान के इन दोनों सुंदर सुंदर परियों से। जब रिपोर्टर इनसे पूछते हैं कि इंडिया तो चंद्रयान 3 भेज चुका है और पहुंच भी गया है, वही पाकिस्तान ने अभी तक क्यों नहीं भेजा, तब इन परियों का जरा जवाब सुनिए। ये इंडिया जो है चंद्रयान 3 भेज चुका है चांद पे, वो पहुंच भी गया, पाकिस्तान ने अभी तक नहीं भेजा, क्या सीन? बस ये कि हमें हमारे पास सवाल का चांद नजर नहीं आता है, तो चांद पे जाना तो बहुत इम्पॉसिबल सी बात है हमारे लिए। वुमेन, आप कुछ कहेंगे? मैंने फिजूल में इतना खर्चा किया, पाकिस्तान आ जाते इसको देख लेते। पाकिस्तान आ जाते इसको देख लेते। हाँ हाँ हाँ, अब तो यही ना बचा है तुमको देखने के लिए हमारे भारत के लोग 1 रुपए तक ना दे। क्यों भाई, दोगे क्या 1 रुपया? 150 रुपया देगा। अरे बाबा, लो सुंदर लड़कियां देखा नहीं कि साला पार्टी बदल लिया। इंडिया ने इतना खर्चा क्यों किया? इंडिया ने इतना खर्चा करके सिर्फ चांद देखने गए? हमारे झंडे में चांद में क्या जरूरत? खैर, अब जब इन लड़कियों का जवाब सुन लिए तो मिलिए अब इन लौंडों से, और जरा इनका भी जवाब सुनिए। हम भी चांद पे ही हैं। चांद पे बिजली है? चांद पे बिजली नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। चांद पे गैस है? नहीं, गैस तो नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। चांद पे गड्ढे हैं? हाँ, बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पे भी हैं, देखें आप। सबर करो, हमें चांद पे जाने की जरूरत नहीं है, हमने इस मुल्क को चांद बना लिया। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसी चीज के लिए लड़ाई हुआ है तो है भैया कश्मीर। वहीं जब रिपोर्टर कुछ लोगों से कश्मीर के बारे में पूछती है कि कश्मीर तो इंडिया वालों की है, तो जरा इन महारथियों का जवाब सुनिए। इंडिया से जो देख रहे हैं क्या पैगाम देंगे? आप हमसे कश्मीर कभी भी छीनने की बात ना करें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो कश्मीर के लिए जज्बा रखते हैं। तो आपके 10 फौजी और हमारा 1 बच्चा हो तो आप लड़ नहीं सकते? तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? मुसलमान लड़ाई में लड़ाई से डरते नहीं है, क्योंकि अगर काफिर के खिलाफ हम लड़ गए, मर गए तो शहीद है, आप लोग अगर मर गए मुर्दार है। तो इस बात पे एक जहन में रखना कि आप लोग कभी जिंदगी में हमारे साथ नहीं लड़ सकते। मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया। हंसी आ रही है चेहरे पे। अरे रुको, अभी और देखते जाओ। अब सोचो बुजुर्गों का ये हाल है तो वहाँ के बच्चों का क्या हाल होगा भैया कश्मीर के बारे में? मिलिए इस दूध पीने वाले बच्चे से और जरा इसका जवाब सुनिए। जो हमारा कश्मीर है उधर, वो तो कहते वो हमारा है, हम कहते हमारे। कौन कहता है कश्मीर हमारा है? आजा संडास दिखा। तो वो कहते हमारे, उधर इंडिया की फौज खड़ी है ना, तुम्हारे पाकिस्तान इस्लामाबाद जो शहर है उसमें एटम बम पड़ा है। हमें सब कुछ पता है, अगर एटम बॉम्ब से जो इंडिया डर रही है ना, अगर एटम बॉम्ब चल गया तो आधा इंडिया तबाह हो सकता है। तो एटम बॉम्ब तो उनके पास भी है ना बेटा, उन्होंने चला दिया, वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उनका एक स्टेट हमारा पूरा पाकिस्तान, अगर हमने चला दिया वो तो फिर बच जाएंगे, और उन्होंने चला दिया हमारा। इंडिया तो हमारे से डर रही है, बड़ा डर रही है। तुमने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? हाँ जी, इंडिया कह रही है हम पाकिस्तान से डरते हैं। कब कहा किसने कहा? हम कहते हैं ना।
पागल बन जाओगे। लो भाई एक से एक पागल बैठे हैं पाकिस्तान में। अरे पहले पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। नहीं तुम्हारी जान है, चनू ने काट रहा। अब जब बच्चों और बुजुर्गों का जवाब सुन लिया है कश्मीर के बारे में, तो इन बहन जी का भी जवाब सुनिए। और लास्ट में जब ये एंट्री वाइल्ड कार्ड एंट्री मारती है, उसका तो क्या ही कहना। कश्मीर किसका है? कश्मीर पाकिस्तान का है और हम इसके लिए आखिरी हद तक लड़ेंगे। कश्मीर हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे। वाह। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कश्मीर हमारा नहीं है, वो गैर मुल्की इलाका है। कश्मीर हमारा है, किसने कहा है? कौन है वो? हमने शुरू से पढ़ा है कश्मीर पाकिस्तान का है, बस वहाँ का राजा था वो दो नंबर था तो उसने उसको बेच दिया। पाकिस्तान का बच्चा लड़ेगा, कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। हमारे बच्चों की जान भी कश्मीर के लिए है। बताओ बच्चा जहाँ से निकला है वहीं भेजने के चक्कर में लगी है या आंटी? बच्चा सोच रहा होगा अरे अम्मी अभी जिंदगी तो थोड़ा जी लेने दो, कहाँ ढकेल रही हो मौत के कुएं में। इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर कश्मीर की बात करेगा तो हम घुस के मारेंगे उनके घर पे। देखें इस टाइम हम पाकिस्तान लड़ाई की सिचुएशन में नहीं, हम लड़ना नहीं चाहते। ये तो मुद्दे लगा साला। इस टाइम जंग सिर्फ एटॉमिक बम की है, जो वॉरी मिसाइल है पाकिस्तान के पास। इंडिया जितनी मर्जी ताकत लगा ले, जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान से जंग नहीं जीत सकता। हमारे मिसाइल उनसे 200 गुना बेहतर मिसाइल है। क्या फेंकता है यार, तो अपनी जंग खुद मर रहे हैं यहाँ पर, आटे के नहीं चीनी के लिए नहीं मर रहे, तो हमने गोरी कहाँ चलाना सर। भाई का डर के कारण हालत खराब है और एटम बॉम्ब की बात कर रहा है, बोल तो ऐसे रहा है जैसे मिसाइल ही अपने घर में हाथों से खुद बनाया है। लो अब आखिर में ताऊ समझ गए कि कश्मीर हमारा नहीं है, बट बाकी सबके जैसे शुरू में इनके अंदर भी वही मिसाइल वाली ही गर्मी थी। कश्मीर किसका होना चाहिए? ये कश्मीर मुसलमानों का हिस्सा है, ये मुसलमानों के लादा हुआ है, ये अब मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं। ये कश्मीर हमारा है और हम लेके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। हमने आज तक कश्मीर के लिए किया क्या है ये भी बताएं। पाकिस्तान है, हमने बहुत कुर्बानी दी हुई है। पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर हमारा होना चाहिए, ऐसे ही है। तो पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए किया क्या 75 साल में? देख कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी। देख कमीने की, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, खत्म। कहते हैं कश्मीर हमारा पाकिस्तान है, लेकिन हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, ना उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, ना उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, ना हमने कुछ किया जी। तो फिर हम क्यों कहते हैं बच्चे के कश्मीर हमारा है? हमारा वो तो हम ऐसे कहते हैं कि सब कह रहे हैं हम कश्मीर भी हमारा है, हमारा ये असल बात है कि सब कह रहे हैं कश्मीर हमारा है, तो इस वजह से हम भी कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। बाजी बदल लिया साला। जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के लोग किसी बात को फेंकने में और शादी करके बच्चे पैदा करने में काफी आगे होते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे लेटेस्ट न्यूज नहीं है भाई, कई सालों से चला आ रहा है पाकिस्तान में। सो जैसे कि अब इन चाचा से ही मिलो, इन्हें देखकर आप यही कहेंगे कि जिंदगी का असली मजा तो ये चाचा ले रहे हैं, हम तो सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुए हैं। आमिर खान साहब की राबिया के साथ चौथी शादी है, इससे पहले इन्होंने 3 शादियां की, तीनों लव मैरिज थी और तीनों को तलाक दे दी। थोड़ा इंटरेस्टिंग उसमें फैक्टर ये है कि मेरी पहली बीवी मुझसे 5 साल छोटी थी, दूसरी बीवी मुझसे 10 साल छोटी थी, तीसरी बीवी मुझसे 15 साल छोटी थी और चौथी ये 20 साल छोटी है। तो प्रपोज कैसे किया? तीसरी से बिल्कुल डिवोर्स हो गई, फिर मैंने प्रपोज किया इनको कि मैं आपसे इंटरेस्टेड शादी करने के लिए, मेरे डिवोर्स हो चुकी। मान गई ये, मान गई। इन्होंने बोला कि मैंने भी आपको अच्छा पाया, मैंने देखा कि आप नॉर्मल अच्छे इंसान है। बताया मैंने पहले 3 शादियों में तलाक दे चुका हूँ, वही वजह थी जिसे मानी है। मुझे इस चीज का इल्म नहीं था, मेरी फ्रेंड ने बताया कि वो जो सर है उनका जो बेटा ना आपको बड़े घूर घूर के देख रहा था, तो मैं तो अपने टेस्ट कर रही थी और मैं मर्द को तो हुक्म है अपनी निगाह नीचे रखे, नीचे करके देख रहा था मैं। क्यों हो हिला डाला ना चाचा ने? सो अभी तो आप हिले ही हो, अब इस बहन से मिलो जिनसे मिलने के बाद आप डोल भी जाएंगे, आपके शरीर में अंदर ही अंदर हंसी से भूकंप आने लगेगी। भाई इसके इतने ज्यादा बच्चे हैं कि मैंने काउंटिंग शुरू की थी, मुझे खुद काउंटिंग भूल गई है। क्या उम्र है तुम्हारी? 22 साल। ये सारे बच्चे तुम्हारे हैं? जी। मतलब ये कह सकते हैं कि ये सारा कारनामा तुम्हारे? यस। नहीं जल्दी शादी हो गई? हमारे में कर देते हैं जल्दी। क्यों? ऐसे ही हमारे में रिवाज है।
बाद में जल्दी शादी करने का? हाँ। क्यों? लड़कियाँ बाद में भाग जाती है, उल्टे काम करती है। जी यार कितनी औसम है यार। अभी तुम्हारे घर वाले डरते नहीं तुम्हारी जल्दी शादी करने का, ये नुकसान है। कोई बात नहीं भी, रखा ये तो औरत का फर्ज बनता है। बच्चे पैदा करना? जी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे पास? करीबन है 2 दर्जन। 2 दर्जन बच्चे हैं। तुमने रखा है? जी। सारे बच्चे के नाम तुमने रखे हैं? हाँ। शोर ने कोई काम नहीं किया? किया है ना, ये बच्चे दिए ये वही काम किया है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं, ये भाई जोर का कारनामा। हाँ। तो तुम कहती है कि यार ये कारनामा नहीं करो, कोई और काम कर लो। और काम भी करता फिर ये काम भी कर लेता। तो जब तुम्हारी शादी हुई थी तुम्हें तब बता दो कि तुम्हारे शोर ने कि मैंने जो है 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे करने हैं? जी नहीं। नहीं बताया था? नहीं। क्या मुँह दिखाई दी थी? मुँह दिखाई ना, उससे मुझे क्या देना था, 3 बच्चे दिए। 3 बच्चे दिए? हाँ। क्योंकि 1 साल बाद बाहर आ गए। बाहर आ गए 1 साल के बाद। वाह भन वाह, गजब यार, 22 की उम्र में 24 बच्चे और हम यहाँ 22 के होकर आज तक सिंगल मर रहे हैं, एक गर्लफ्रेंड तक नहीं बनी। भाई अपना दुख किससे बताने जाए। खैर छोड़ो जाने दो, जब किस्मत में लिखा हुआ ले रहा तो कहाँ से मिलेगा खाने को पेड़ा। अब इन चाचा के पूरे परिवार से मिलो। इनके नाम हफ्सा, मुबशरा, जैनब और गुलनाज हैं। ये इनके 28 बच्चे हैं। क्या बताऊँ आपको, तो तकरीबन 36 साल 9.5 माह का बनता है। इनके जो सबसे बड़े बेटे हैं, इन्होंने भी 4 शादियां की हैं, इनके भी 13 बच्चे हैं। ये मेरा बेटा जो है ना मेरे से 17 साल छोटा है। बड़े बेटे की उम्र कितनी है? 37 साल। सबसे छोटा बच्चा है इस वक्त ये जो गोद में है ये? जी जी, इसकी 2.5 माह। पर ये 36 साल और 9.5 माह का गैप है, आप थकते नहीं है? तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। मैं आपको बताता चलूं, ये इनकी पहली वाइफ है, ये इनकी दूसरी वाइफ है, ये तीसरी है, ये चौथी है। क्यों हिला डाला ना? इन कैसे देते हैं चारों को? जुमे वाले दिन टाइम तब्दील होता है, जुमे से लेकर जुमे तक, अगले जुमे तक एक बीवी की बारी होती है। और जब मैं जलसे करता हूँ उसमें से एक दिन मिल जाए, ना मिले घंटा मिल जाए, 2 घंटे घर आने का मिल जाए। घंटा भी बहुत होता है। पापा के लिए क्लैपिंग करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी जो पहली वाइफ है उसमें से इनके 10 बच्चे थे। भाई मारो मुझे मारो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। अरे भाई इतना बच्चा पैदा कौन करता है रे दादा? रे दादा ये परिवार नहीं बल्कि पूरा का पूरा चलता फिरता एक राज्य बनेगा आने वाला टाइम में। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि अरे सभी पाकिस्तानी इतने बच्चे पैदा नहीं करते हैं भाई, कोई कोई बस इतना करता है। तो उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि रुको जरा, सबर करो, ये भी देखते जाओ, आपका सारा भ्रम भ्रष्ट हो जाएगा। अल्लाह रखी, क्या करती हैं? बस कुछ नहीं कर, कुछ नहीं करती। बच्चे कितने? 5। अरे बाबा, आपके कितने बच्चे हैं? 6। अरे बाबा, मेरे 2 बेटे 6 बेटियां। 6 बेटियां और 2 बेटे। महीने का कितना कमा लेती हैं? 7,000। बच्चे कितने हैं? 7 ही हैं। ये भगवान क्या जुलुम है। ये अगर इनकी 8,000 सैलरी होगी, बच्चे भी 8 हो जाए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्या करती हैं? घर का काम करेगा कर। घरों में काम करती हैं। बच्चे कितने? 8। 8 बच्चे हैं, यानी 5 से नीचे तो किसी के नहीं। देख रहे हो भाई, कोई किसी से कम नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान में बच्चे पैदा करने का कोई कंपटीशन चलता है शायद। एक बात बताएं, आपको पता है, गांव का आपको पता होगा ना, ऐसी कौन सी चीज है जो भैंस के पास 4 होती है और लड़की के पास 2 होती है? राजा जी, वो तो ये पंजाबी आख दे। दीदी जिस हिसाब से सवाल पूछी है ताऊ उसी हिसाब से बिना कुछ सोचे जवाब ही दिए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, वो कौन सी चीज हो सकती है जो भैंस के पास 4 हो और लड़कियों के पास 2? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों पाकिस्तान के सिर्फ मैंगो मैन ही नहीं, अरे मेरा मतलब कि आम जनता ही नहीं, बल्कि वहाँ के रिपोर्टर भी इस बहन के जैसे अपनी बेइज्जती करवाने में आगे रहते हैं। जैसे कि अब इस भाई साहब को ही देखिए, कितना खतरनाक झटका लगता है इनको। शहर पेशावर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की किल्लत बदस्तूर जारी है। शहर के बेशतर पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल नहीं मिल रहा और जहां पर मिल रहा है वहां पर लंबी कतारें जो है शहरियों की जानिब से पेट्रोल लेने के लिए लगी है। कुछ शहरी हमारे साथ है जी, मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं पेशावर में पेट्रोल पंपों पर? पेशावर में तो बहुत बुरी हालत है, किसी पेट्रोल पंप पे ऑयल नहीं मिल रहा। मैं जो हूँ, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो
लो हो गया ना सत्यानाश, एल लग गए रिपोर्टर भाई साहब को। अब मिलिए इस रिपोर्टर से जिनके साथ काफी तगड़ा वाला मोयमोय हो जाता है। जी बिल्कुल, अवामी मसाइल की अगर बात की जाए तो इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी कोटचुटा के अफसरान की नाअहली के बायस पूरा कोटचुटा शहर कचरा कुंडी का मंदिर पेश कर रहा है। इस वक्त मैं जिना कॉलोनी की मौजूद हूँ, जहाँ कचरा जमा होने से बदबू और ताफुन फैलने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा मुर्शिद किधर गए? क्या रिपोर्टर बनेगा रे तू, बगल में खड़े लोग पीछे चले गए और इस बेवड़े को पता तक नहीं चला, लगता है गांजा फूक के रिपोर्टिंग कर रहा है। हाँ, गांजा फूक के रिपोर्टिंग करने से याद आया हमारे पाकिस्तान के बहुत ही फेमस रिपोर्टर चांद नवाब जी का भाई, ये पाकिस्तान में इतने फेमस है जितना कि हमारे इंडिया में रशियन। जरा इनका रिपोर्टिंग देखते जाइए। मियां शहबाज शरीफ के कराची और पान पर मियां शहबाज शरीफ की जानिब से पान और कराची पर बयान के एक मिनट यार मियां शहबाज शरीफ के कराची और पान पर कराची की आवाम और सियासतदानों में गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि पान हमारी सकाफत है। कैमरामैन अंबार के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़। जब मैं 92 न्यूज़ बोलूँ ना पान मुझे जब मैं रुक गया तुम इशारा कर दो क्यों तुमसे ना हो पाएगा। अब सोचो जरा रिपोर्टर का ये हाल है तो वहाँ के एंकर का क्या हाल होगा। मिलिए इन मोहतरमा से, आप जरा फोन के वॉल्यूम को लो कर लीजिएगा, पहले ही बता देता हूँ आपको। एमकेएम के मरकज 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लन में कत्ल होने के प्यारी समझ गई। मैंने इंग्लिश में लन बोल दिया ना, लंदन। उर्दू में क्या बोलेंगे मैडम? इंग्लिश हो, उर्दू हो या फिर हिंदी क्यों ना हो, लेकिन आपने डॉक्टर इमरान फारूक के लन में लन 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 ही बोला है। कैसे बुलेटिन करूंगा मैं इसके साथ, वो कह रही मेरे साथ बात ही ना करो। मैंने लहजे की भाई तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तुम्हीं से मैंने कौन सी बदतमीजी की है? क्या बदतमीजी की है जाहिल? तो इसको को अपनी जबान कंट्रोल करे, ये ग्रैब हो रहा है सारा। जी इसके नखरे नहीं खत्म हो रहे भाई। लगता है दोनों एक दूसरे के एक्स है, अपने ब्रेकअप का सारा बदला यही निकाल लेंगे। अब जरा इसे देखिए क्या ट्रीटमेंट है, इस हवाले से थोड़ी बात कर लेंगे, लेकिन पहले कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद विलायत बात कर रहा हूँ जी, सांगठ से। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं जी? डॉक्टर साहब 2-3 दिन हो गया मुझे टट्टी नहीं आ रही। अब इस एंकर से मिलो, भाई को अपने देश में खाने के लिए अंत तक नहीं है और ये इजराइल फिलिस्तीन तक पहुंच गए। अमेरिका पाबंदी लगाए तेरी औकात नहीं, पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी बिछाएगा, एटमी हथियार भी चलाएगा, अगर तुमने चलाए व्हाइट हाउस में घुस के मारेंगे तुम्हें। कौन है ये पागल आदमी? ये 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में, कमांडोज रॉ के एजेंट्स जो इस जंग में हिस्सा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अभी तक हमने 400 इंडियन फौजियों की चिता जलाई। मैं वादा करता हूँ नरेंद्र मोदी 18,000 में से अगर एक भी वापस आ गया ना जिंदा तो आना और मेरा गिरेबान पकड़ लेना, तुम्हारा बिल्कुल खर्चा नहीं होने देंगे, मिसाइल मार मार के इनकी चिता जलाएंगे। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। ये मुसलसल अपने फौजी भेजते रहे, प्रोपेगेंडे के जरिए मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार देता रहा इंडिया में। इंडिया को बताओ उसी दिन 18 नवंबर को जब 15 दिन का तुम्हें टाइम दिया था कि माफी मांग लो और पीछे हट जाओ, तुम नहीं हटे, पीछे हट जाओ। 18,000 जो जानवर लेके आए हो तुम हमारी मुसलमान माओ बहनों को मारने के लिए, इनको लेके दबा हो जाओ इसराइल से, नहीं तो फिर तुम्हें वासिले जहन्नुम करेंगे और तुम्हारी चिता का जो खर्च है वो मैं बचाऊंगा। भाग यहां से भोसड़ी की। बताओ सारा का सारा न्यूज इसे ही मिल जा रहा है। अरे पहले अपने देश को तो बचाओ, कर्ज में डूबते जा रहे हो, बाद में इजराइल फिलिस्तीन करना चाचा। अब मिले इस पाकिस्तानी पहलवान से। अरे सही में भाई ये पाकिस्तान का पहलवान है, पहले मिलिए तो सही इनसे। बताओ डर नहीं लगता? नहीं। तो इतने पहलवानी कहाँ से आई अंदर? बस देखते देखते ही आ गई। देखते देखते आ गई, गोले दिखाए अपने।
कितने किलो के होगे, वेट कितना है? 15 किलो के बंक। वेट है और 12 किलो जो है कमर है आपकी। हाँ जी। और फिर भी आप पहलवान बने हुए हो। हाँ जी। रोटी को सिर्फ हाथ ही लगाते हो। हाँ जी। तो दूध छूत पीते हो? नहीं नहीं। तो ये इतनी ताकत कैसे बनाई है? खुद ही मेहनत की है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। रुको तो सही, इधर इधर आओ, इधर आओ। एक दफा हमारे नाजरीन को अपने डोले दिखाओ। ये डोले आपके कितने इंच के हैं? 2 इंच के। भाई हमारे पहलवान साहब आस्की में भी काफी आगे हैं। इन पर लड़कियां अपना जान लुटाती हैं। इन्हें पाने के लिए कई लड़कियां केला के पेड़ से कूद के अपनी जान तक दे दी है। नहीं तू मुझे बताओ, कभी किसी ने कोई प्यार बड़ा मैसेज किया हो? हाँ जी, एक लड़की ने कहा मैं आपकी जान बनना चाहती हूँ। कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? अच्छा, और रिश्ता रिश्ता हो गया? नहीं, अभी लड़कियां मेरे को मर रही हैं। आपकी तो अपनी जान नहीं है तो लड़कियां कहां से मर रही हैं? वो देख के ही मर जाती। मुझे बताए, लड़कियां जो है वो तो आप पे मरती है जैसे आपने बता दिया है, तो लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ, मेरे से शादी करो, मैं आपके लिए तैयार हूँ। अच्छा, उम्र क्या आपकी? मेरी ये ठलना, इतने हलाओ उतर ही ना जाए। ये तेज हवा में जब निकलते हो तो उड़ने का खतरा नहीं होता? नहीं, हवा को भी पकड़ लेता हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं इस भाई को देखिए आप। जब इनसे रिपोर्टर पूछती है कि लड़कियां ज्यादा फ्लर्ट करती है आपके नजरों में या लड़के, तब इस भाई का एक्सप्रेशन के साथ जवाब सुनिए। लड़कियां ज्यादा फ्लर्ट करती हैं आपकी नजरों में या लड़के? लड़कियां ज्यादा करती हैं, ऐसे चुप चुप के छोटी छोटी नजरों से देखती हैं आपको कि आप किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर आपके कपड़े देखती हैं ऐसे, ओह माय गॉड, फिर एटीट्यूड दिखाती हैं। ये लड़कियां जो है ना बहुत ज्यादा ठरती होती हैं। अच्छा, आप नहीं ठरती, आप नहीं कुछ करते? नहीं, हम तो ठरकी, हम सामने से देखते हैं, वाह यार क्या पीस जा रहा। भाई भाई कम और मीठा ज्यादा लग रहा है। यह रिपोर्टर इन लड़कियों से पूछती है कि आपको क्या चाहिए, साइंस या इस्लाम? तो जरा इन सातवीं फेल महिलाओं का जवाब सुनिए। साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए। हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम, 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 इस्लाम। मेरे ख्याल से जो बंदा कुरान पढ़ लेता है ना, उसको दुनिया में सर्वाइव करना आ जाता है। मतलब मैं कहूँगी आप साइंस पढ़ेगी या फिर इस्लाम पढ़ेगी, तो आप क्या चूज करेंगी? मैं कहूँगी इस्लाम करूँगी, क्योंकि इस्लाम में साइंस है। साइंस की जितनी चीजें यहाँ जाती हैं वो सारी इस्लाम में है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम में ना हो। ये जितने साहब है, कश्तियाँ क्या, सुई क्या, जितनी ये टेक्नोलॉजी है, ये पहले कुरान से पता है। अच्छा, एक मुकम्मल दीन है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। अगर इस्लाम यहाँ पर आ जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तरक्की करेगा जरूर। देख रहे हो इनका दिमाग, इन्हें साइंस नहीं इस्लाम चाहिए, तभी तो इनका देश इतना तरक्की पर है। पाकिस्तान इतना तरक्की पर है कि इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ है। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? कैपिटल दारुल हुकूमत। हाँ, पंजाब है। कोई बात नहीं। पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? कैपिटल जो है ना, पीटीवी। पीटीवी पाकिस्तान का कैपिटल लियारी है। वैसे अगर आपको पता है पाकिस्तान का कैपिटल कहाँ है, तो जरा इन्हें कमेंट में बताइए। एक शोभा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आ गए हैं, कोई एक शोभा। मांगने में। मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था। क्या मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तस्ला में, हमारे पास तस्ला है, कटोरा है, हमने तस्ला पकड़ा हुआ, उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया। वाह भाई वाह, इतने देर बाद कोई पाकिस्तानी को यह विश्वास हुआ है कि पूरा पाकिस्तान भिखारी है। वैसे भाई ने बात एकदम सच कही है, इंडियन लोग टेस्ला में घूम रहे हैं और हम लोग तस्ला में हैं। अब मिलिए इस रिपोर्टर दीदी से। जब इस भाई से पूछती है कि लोटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसके बाद इन भाई साहब का जो जवाब आता है उसका क्या ही कहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? श्याम अब्बासी। अच्छा, मुझे बताओ कॉमन सेंस है आप में?
चेक कर लें क्या बताओ। लोटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मग्गा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। रुको जरा, सबर करो। ऐसी कौन सी जगह है जो है तो आपके, लेकिन आपके अलावा वहाँ पे हर बंदा आके बैठ सकता है लेकिन आप नहीं बैठ सकते? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। अब इन दीदी का दूसरा क्वेश्चन भी सुनिए। ये पूछती है इस बंदे से कि तुमने पैदा होकर कौन सा तीर मारा है। उसके बाद भाई का जो जवाब आता है उसके लिए तो मैं तो कहता हूँ कि तालियां बजनी चाहिए। मुझे ये बताया आपने पैदा होकर कौन सा तीर मारा? पैदा होकर कौन सा तीर मारा? गजब बेइज्जती है। फिलहाल तो अभी तक कोई तीर नहीं मारा। रुको जरा, सबर करो। क्यों, कभी दिल भी नहीं किया कि कोई तीर मार दे? नहीं, अभी तक तो सोच रहा हूँ आपको मारूं, सोच रहा हूँ आपको मारूं। अब मिलिए इस रिपोर्टर से जिन्होंने इस भाई के साथ मोए मोए कर दी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला। क्या करते हैं? गारमेंट्स। ओके। अच्छा, ये बाल क्यों इतने बड़े किए आपने? शौक है। शौक है बचपन से। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का। शादी हो गई? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जब शादी हो जाएगी फिर भी इतने बड़े बाल रखे? बिल्कुल। तो कोई फर्क ही नजर नहीं आएगा, बीवी कौन है, हस्बैंड कौन है? यहाँ तो रिपोर्टर बोलती बंद कर दी भाई का, बट यहाँ ये भाई रिपोर्टर के साथ ही खेल गया। अगर कोई लड़की आपको अंकल बोले तो आपका क्या रिएक्शन हो? नहीं बोला। किधर बोला है? अभी नहीं बोला। जानू बोलती है। अब आखिर में मिलिए पाकिस्तान के महान ज्ञानी बाबा से, जिनका जवाब सुन के आप बोलेंगे, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कलयुग कितना आगे निकल गया? भारत बिल्कुल आगे नहीं निकला। नहीं आगे निकला? बिल्कुल नहीं निकला है। अगर मुसलमान उठ जाए तो 5 साल बहुत है। अरे बाबा, मुसलमान कोई छोटी चीज नहीं है भाई। हाँ? मुसलमान कोई छोटी चीज नहीं है, ना वसाइल के लिहाज से, ना आबादी के लिहाज से, ना यूथ की तादाद के लिहाज से, ना जियोग्राफिक पोजीशन के लिहाज से। मतलब दुनिया के सेंटर में मुसलमान बैठे हैं भाई। यही नहीं, अभी और सुनिए, इंडिया कुछ भी नहीं, इंडिया 7.2 के साथ, मतलब ग्रोथ के साथ। जैसे ही अमेरिका और पूरा वेस्टर्न ब्लॉक ढह जाएगा ना, अभी उसके कुछ थोड़ी सी शुरुआत जो है ना वो हो रहे हैं डॉलर के साथ, जो है ना वो सारे के सारे लोग जो है ना दोस्ती खत्म कर रहे हैं। लेकिन सर इंडियन करेंसी में वो 23 कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं। नहीं वो ठीक है, बात यह है कि जब ये एक मुतबादल ब्लॉक उठ खड़ा होगा ना, तो वेस्टर्न ब्लॉक अपने उस पानी में नहीं रहेगा। उसके बाद इंडिया यतीम होने वाला है। What? इंडिया यतीम होने वाला है। मुसलमानों के पास बहुत सारे ऑप्शन जो है ना वो आने वाले हैं। ज्ञानी ज्ञानी महापुरुष। खैर दोस्तों, वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। अगर इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, लिंक दे दिया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।